हे गाइस, और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और जहाँ हम जा रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज है। तो हम आ गए थे स्टैंड पे, यहाँ से हम बस में बैठे और उधर से आ गए हम चिराग दिल्ली, और चिराग दिल्ली से मेट्रो से जाएंगे। तो यहाँ के स्टेशन का लुक कुछ ऐसा है मेट्रो स्टेशन का, देख सकते हो आप। फिर हम गए अंदर, थोड़ा जीने वगैरह उतरे। अब देखो हम लोग ना, मतलब कम से कम एक साल बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेट्रो में, तो हमारे मतलब भैया आए थे तो इसलिए हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। देख रहे हो ना, यहाँ पे ना बहुत ठंडा था, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, और मतलब बहुत गूंजने की आवाज़ आ रही थी इस पोर्शन में। फिर अभी हम बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ से ना हमें टोकन परचेज़ करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा आगे जाके मेरे दीदी ने टोकन लिया हम सबके पटेल चौक तक के, और फिर टोकन लेने के बाद हमने पैसे दिए उनको, फिर टोकन देखो। सो हे गाइस, वेलकम टू पार्ट टू। और यहाँ पर हम आए लेट, तो हमारी मेट्रो चली गई। अब हमें इस लाइन पर वेट करना होगा अपनी पिंक मेट्रो लाइन का। तो वेट कर रहे थे हम, तो मैंने कुछ क्लिप्स निकाल लिए, देखो। फिर हम थोड़ा आगे गए, फिर मैंने एक दो क्लिप निकाल लिए अपने भांजे के। फिर उसके बाद हमें मेट्रो आ गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर हम मेट्रो में आ गए। फिर देखो मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी यहाँ से हमें ना दूसरी मेट्रो चेंज करनी होगी, हमें येलो लाइन लेनी पड़ेगी। फिर हम येलो वाली मेट्रो में जाएंगे, उसका लुक अलग होगा, मैं दिखाऊंगा आपको भी। देखो इस स्टेशन पे कितनी भीड़ है। ये हम आ गए हज़रत निज़ामुद्दीन। अब यहाँ से हमें येलो लाइन लेनी पड़ेगी। इस टाइम इतनी भीड़ इसलिए है ना गाइस, क्योंकि ये शाम को मतलब लोग अपने घर वापस आते हैं, ड्यूटी जाते हैं। फिर ये हम एक्सेलेटर से ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ से बोर्ड करेंगे येलो मेट्रो लाइन। सो अभी के लिए बाय। सो हे गाइस, वेलकम टू पार्ट थ्री। तो अभी हम जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म तक, और यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ थी, वाओ मोमोज, बर्गर किंग, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और टीना का नया शो आ रहा था, वो उसका हमने पोस्टर देखा। अब यहाँ हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन कनॉट प्लेस। और सेकंड यानी कि येलो मेट्रो में आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी। जैसे आपने प्लेटफॉर्म पे देखा था कितनी ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पे हमने पहले पूरा एक राउंड लगाया। देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े थे। फिर हमें कुछ खाने जाना था तो हम चले गए डोमिनोज। और इधर ना, हे गाइस, वेलकम टू पार्ट फोर। तो अभी हम डोमिनोज के बाहर आ गए, और हम बाहर से सोच रहे थे कि हमें क्या क्या ऑर्डर करना है। तो हमारी दीदी गई और ऑर्डर करा। और गाइस, हमने लिए थे 10 पिज़्ज़ा, एक चुकलावा और एक ड्रिंक। मैंने उसका क्लिप्स अपने भैया के फ़ोन में निकाला था, वो अपने घर चले गए और उनसे क्लिप्स नहीं ले पाया, तो इसलिए मैंने जो फ़ोटो अपने फ़ोन से क्लिक करा था वो फ़ोटो ही लगा दिया। फिर बहुत सारे पिज़्ज़ा खाने के बाद हमें ना कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, तो बाहर ही ना आइसक्रीम दिख रही थी, हमने लिया। तो ये 25 का था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पैदल चलने के बाद मुझे फिर से मन हुआ आइसक्रीम खाने का। सो हे गाइस, वेलकम टू पार्ट 5। और बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए थे बंगला साहिब, जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी। तो फर्स्टली मैंने वहां जाके देखो हैंड वॉश करा, उसका भी मैंने क्लिप निकाला। फिर उसके बाद वहां पे मैंने पैर वॉश करे, यहां पे मतलब पैर वॉश करने के लिए बनाया गया था। फिर ये देखो यहाँ के टाइल्स की देखो लुक कितना सुंदर है। फिर एक दो फोटोज़ मेरे पास थे, मैंने वो लगा दी क्योंकि क्लिप मेरे पे अभी अवेलेबल नहीं है। और ये देखो, ये पूरे बाहर से दिखता है ऐसा, और ये मतलब वहाँ का लेक है, मतलब तालाब। फिर ये हमने कुछ फोटोज़ निकाले। अब ये देखो अंदर वाला, हम फोन नहीं ले जा सकते, तो दर्शन कोई ना मिलता।